अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। पिछले वीडियोस के अंदर हम एनवायरनमेंट का एक जनरल ओवरव्यू ले चुके हुए हैं। एनवायरनमेंट के जो तीन मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड सोशल कॉन्स्टिट्यूएंट, इनका हम एक ओवरव्यू ले चुके हुए हैं। और इस वीडियो के अंदर जो फिजिकल कॉन्स्टिट्यूएंट था उसी की आगे एक्सटेंशन मैं आपको दूंगा, जिसके अंदर जो तीन मेजर जोन्स हैं उनके बारे में आपके सामने डिस्कशन करूँगा। सो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वो जोन्स हैं क्या। तो पहला जोन आप जैसे देख सकते हैं, इफ़ यू कैन सी द आउटलाइन ऑफ इट, ठीक है, इट इज़ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो कि एक बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है फिजिकल फीचर्स का, जिसके ऊपर मैं पहले बता चुका हूँ कि इट इज़ नेसेसरी फॉर द ऑक्सीजन दैट वी इनहेल, ठीक है। ना सिर्फ ऑक्सीजन बल्कि ओवरऑल जो आपकी इन्वायरमेंट के अंदर रिक्वायरमेंट्स है ऑफ लॉट ऑफ अदर लिविंग थिंग्स, उनके लिए भी ऑक्सीजन इंतहाई अहमियत का हामिल बन जाता है। और ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? ऑक्सीजन हमें मिलती है एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर के अंदर से और बहुत सी गैसेज हैं जो कि मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल हम लोग करते आते हैं, और वो उनका हमारे यहाँ होना बहुत ज़रूरी भी है। दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, दैट इज़ वाटर, जिसको हम जनरली एक एनवायरमेंटल जार्गन के मुताबिक हाइड्रोस्फीयर के स्पेक्ट्रम के अंदर देखेंगे, जिसके अंदर वी विल बी टॉकिंग अबाउट वाटर ऑफ ऑल काइंड्स, आपका वाटर फ्रॉम सी, फ्रॉम फ्रेश वाटर एंड एवरीथिंग। द थर्ड जोन ऑफ द फिजिकल एनवायरमेंट इज द लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है? एवरीथिंग दैट वी सी ऑन द लैंड, जिसका पानी से और एयर से ताल्लुक नहीं है, दैट कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ लिथोस्फीयर, ठीक है। और इन तीनों की अमेलगमेशन को कहते हैं बायोस्फीयर, ये ध्यान में रखिएगा। इन तीनों की अमेलगमेशन को हम कहते हैं क्या? बायोस्फीयर। राइट इट डाउन फॉर योरसेल्फ, ये लिख लीजिए बायोस्फीयर। इन तीनों की अमेलगमेशन को हम बायोस्फीयर कहते हैं। सो बेसिकली दुनिया क्या है? दुनिया या अर्थ इज अ बिग बायोस्फीयर विच कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फेयर एंड लिथोस्फीयर। सो विल फर्स्ट बी टॉकिंग अबाउट एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर क्या है? एटमोस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ अ लॉट ऑफ गैसेस, ठीक है जी। उसके अंदर मेनली कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, कौन कौन सी गैसेज आ जाती हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, ठीक है। ये एक मिक्सचर के तौर पर आपकी एटमोस्फेयर बनाते हैं। बट इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं, प्लीज़ माइंड इट दैट, कीप दिस थिंग इन माइंड कि एटमॉस्फेयर के अंदर चूंकि एक मिक्सचर है, जाहिर है इट इज़ नॉट अ केमिकल कॉम्पोजिशन, राइट। सो ये एक मिक्सचर है ऑफ अ लॉट ऑफ गैसेस, लेकिन इसके अंदर जो आपके पोल्यूटेंट्स हैं ना, जिसके अंदर फॉर इंस्टेंस आपके पीएम पार्टिकल्स आ जाते हैं, पर्टिकुलेट मैटर जिसको ज़रात कहते हैं, ज़रात आपको ऑक्सीजन ये एटमॉस्फेयर का पार्ट नहीं बनते। ज़रात सिर्फ पोल्यूटेंट्स के तहत वहाँ पे मौजूद हैं, उसको हम एटमॉस्फेयर का पार्ट नहीं कहते। प्रिंसिपली एटमॉस्फेयर ओनली कंसिस्ट ऑफ व्हाट हैज बीन रिटन ऑन द स्क्रीन, जो कि मैंने आपके लिए हाईलाइट भी कर दिया। कॉन्स्टिट्यूएंट्स इनके देख लेते हैं कि इनकी परसेंटेजेस क्या हैं द एटमॉस्फेयर। सो नाइट्रोजन जो है वो मेनली एटमॉस्फेयर का पार्ट बनाती है, दैट इज 78.8%। देन कम्स ऑक्सीजन 20.95%, ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर ह्यूमन हेल्थ, ठीक है। हीमोग्लोबिन के लिए बड़ा ज़रूरी होता है हमारे कि हम ऑक्सीजन इनहेल करें। फिर एक और जो इम्पोर्टेंट गैस बन जाती है जिसका एटमॉस्फेयर के अंदर होना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एटमॉस्फेयर में मौजूद ना हो, अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एटमॉस्फेयर का पार्ट ना हो, तो हमारी दुनिया का एवरेज टेम्परेचर -15 डिग्री सेल्सियस हो जाए। और -15 डिग्री सेल्सियस पे आप ज़रा ख़ुद अपने आप से सवाल पूछें कि कौन सी ऐसी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि -15 डिग्री सेल्सियस के ऊपर सस्टेन कर सकती है लाइफ, ठीक है। और ये मैं आपको ऑन एवरेज बता रहा हूँ। ऑन एवरेज का मतलब है कि नॉर्थ पोल और आर्कटिक पोल पे पता नहीं क्या टेम्परेचर होगा, ठीक है। ऑन एवरेज का मतलब है कि आपका डेजर्ट के अंदर भी गालिबन, एक डेजर्ट के इन्वायरमेंट के अंदर भी गालिबन आपके यहाँ देखा जाएगा कि 0 डिग्री से नीचे टेम्परेचर होगा, ठीक है। ऑन एवरेज -15 डिग्री सेल्सियस का ये मतलब है। सो CO2 जहाँ पे आजकल एक बहुत एक
CO2 की मौजूदगी एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी बन गया है क्लाइमेट चेंज को मद्देनजर रखते हुए, वहां पर ही इस बात को खातिर मिलाना बहुत ज़रूरी है कि CO2 इंसानी जान के लिए ना सिर्फ बल्कि तमाम हयात के लिए, तमाम तर चीज़ों के लिए जो इस दुनिया में मौजूद है उसके लिए बहुत एक ज़रूरी कॉन्स्टिट्यूंट बन जाता है। इसी से ही पिछले लेक्चर्स को लिंक बैक करते हुए कि जैसे मैंने आपको बताया कि फिजिकल और बायोलॉजिकल और सोशल इन्वायरमेंट से आपस में इंटरेक्ट करते हैं और इनका आपस में एक इंटरडिपेंडेंसी मौजूद है, ये बात इस चीज़ को साबित करती है। तो यहाँ पे आप लोग बेशक नोट डाउन कर लें कि आपका -15 डिग्री सेल्सियस ऑन एवरेज टेम्परेचर हो जाएगा अगर CO2 आपके यहाँ माहौल में मौजूद ना हो। एटमोसफेयर की अगर हम उसको क्लासिफाई करें तो एटमोसफेयर की क्लासिफिकेशन मेनली सात बनती हैं, लेकिन आपके सामने अभी जो मैंने स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ठीक हो गया। हमारे लिए कोर्स के मुताबिक क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, हमारे मुताबिक और कोर्स के मद्देनजर रखते हुए इंपॉर्टेंट इज ओनली ट्रोपोस्फेयर, जिसके अंदर वी विल बी टॉकिंग अबाउट द इशूज ऑफ ट्रोपोस्फेयर, जिसमें हम स्मॉग और एसओ, सॉक्स, नॉक्स, इनको पढ़ेंगे, ठीक है। सो दिस इज द इशू दैट विल बी डिस्कसिंग, एंड ऑफ कोर्स हमारे लिए ओजोन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ओजोन इट इज़ अ लेयर, ओवरऑल एक लेयर है ओजोन की, सही है। एंड इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है कि ये सन की जो एक्स्ट्रा यूवी रेज हैं उनको दुनिया तक पहुंचने से बचाती है, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज ओजोन लेयर। एक लेयर है, शील्ड है, जो कि ट्रोपोस्फेयर के बिल्कुल ऊपर है और वो हमें सूरज की गैर ज़रूरी शुआओं से हमें बचाती है, ठीक है। इसलिए उसका होना भी बहुत ज़रूरी है, उसको भी हम आगे पढ़ेंगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और जब वियना प्रोटोकॉल, वियना कन्वेंशन है उसको जब हम डिस्कस करेंगे तो, ठीक है। सो दिस इज एज फार एज वी नीड टू नो, सो आवर कंसर्न इज गोइंग टू बी विद ट्रोपोस्फेयर मेनली, ठीक है जी। ये ट्रोपोस्फेयर एक बार फिर मैं आपके सामने कह रहा हूँ हाईलाइट, एंड वी आर ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट ओजोन अदर देन ट्रोपोस्फेयर ओनली गोइंग टू रेफर टू ओजोन। वी आर नॉट कंसर्न विद स्ट्रेटोस्फेयर, वी नॉट कंसर्न विद मेसो, थर्मो और एक्सोस्फेयर एज फार एज दिस कोर्स इज कंसर्न। इसको अगर आप गौर से देखें तो आप लोग देख सकते हैं कि आपके जो सैटेलाइट्स हैं वो थर्मोस्फेयर के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, जैसे मैनर आपकी जो स्पेस जेट्स हैं वो एक्सोस्फेयर में होते हैं, एंड जो जहाज़ हैं आपके वो भी ट्रोपोस्फेयर में हैं, एंड जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर वी कैन सी द जेट प्लेन्स, दे फ्लाई ओवर स्ट्रेटोस्फेयर। सो दिस इज एज फार एज द लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर आर कंसर्न, बट रिट्रेटिंग माई पॉइंट, वी आर ओनली गोइंग टू बी कंसर्न विद ट्रोपोस्फेयर एंड मैक्सिमम ओजोन लेयर, दैट्स इट। हाइड्रोस्फेयर की अगर बात की जाए, हाइड्रोस्फेयर में द कॉन्स्टिट्यूएंट दैट वी कंसर्न विद, ऑफकोर्स हाइड्रोस्फेयर का मतलब ही वाटर है, तो वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट रिसोर्स। द ओशंस कवर अप्रॉक्सीमेटली 71% वाटर ऑन द प्लैनेट, ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स कवर एडिशनल एरियाज, उनकी क्लासिफिकेशन मैं आपको दिखाता हूँ। पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया कि तकरीबन 1.3 बिलियन किलोमीटर क्यूब है वाटर की मौजूदगी इस वक्त दुनिया के अंदर, ठीक है। तो उससे तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाइड्रोस्फीयर बिकम्स, हाइड्रोस्फीयर के अंदर जो वाटर है, वाटर बिकम्स द मोस्ट अबंडेंट रिसोर्स दैट दिस अर्थ हैज टू ऑफर। इस जो रिसोर्स है उसकी जो इकोसिस्टम है और उसके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर उसके बारे में मैं आपको तारुफ करवाऊँ तो एन एस्टिमेटेड 50-80% ऑफ ऑल लाइफ ऑन अर्थ, दुनिया में मौजूद 50-80% के दरमियान जो लाइफ है ऑन अर्थ दैट इज़ फाउंड अंडर द ओशन सरफेस, इतनी ज़्यादा तादाद में आपको वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। एंड द ओशंस कंटेन 99% ऑफ द लिविंग स्पेस ऑन द प्लैनेट, लेस देन 10% ऑफ दैट स्पेस हैज़ बीन एक्सप्लोर्ड बाय ह्यूमन बीइंग। लिविंग स्पेस का मतलब जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, तो 99% ऑफ द लिविंग स्पेस ऑन द प्लैनेट इज कंज्यूम्ड बाय ओशंस ओइंग टू द परसेंटेज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट रिजाइड ओवर देयर, ठीक है। ओशंस जो है इस वक्त हम लोगों ने लैंड को तो बहुत एक्सप्लोर कर लिया हुआ है, बट ओशन एक अननोन टेरिटरी है इवन नाउ, इवन इन दिस साइंटिफिक एज, ओनली लेस देन 10% ऑफ दैट स्पेस हैज बीन एक्सप्लोर्ड बाय ह्यूमंस। 85% ऑफ द एरिया, 90% ऑफ द वॉल्यूम कंस्टिट्यूट्स द डार्क कोल्ड एनवायरनमेंट वी कॉल द डीप सी, जो कहते हैं ना डीप सी,
वो डीप सी इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां तक रोशनी भी नहीं जा सकती है, और चूंकि वहां तक रोशनी नहीं जा सकती और चूंकि वहां तक जब हम पहुंचते हैं तो प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि दैट इज दैट इट बिकम्स अनबेरेबल. सो दैट इज वाई दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजन एज टू वाई वी आर नॉट इंटायरली श्योर कि 50-80% के अंदर कहाँ आपके ऑर्गेनिजम्स लाई करते हैं, एंड वी आर नॉट इंटायरली श्योर कि आपकी ओवरऑल ओशनिक टेरिटरी है क्या. ठीक है, दैट इज वाई यहाँ पे लिखा है कि ओनली 10% लेस देन 10% ऑफ दैट स्पेस हैज बीन एक्सप्लोर्ड. अगर ओवरऑल जो वाटर दुनिया में मौजूद है उसका एक हम एनालिसिस लगाएं, उसका एक आइडिया लगाने की कोशिश करें, तो वो क्या है? सबसे पहले तो आप जो लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन है उसके ऊपर फोकस करें. सो टोटल ग्लोबल वाटर हमें पता है कितना है, 1.386 बिलियन किलोमीटर क्यूब. उसके अंदर से 96.5% आपके यहाँ ओशंस में पाया जाता है जो कि आपका सॉल्ट वाटर है, सेलाइन वाटर हो गया. अदर सेलाइन वाटर जो है 0.9% आपको स्वाम्प्स मार्शेस वगैरह उधर या कहीं पे भी मिल जाएगा. ठीक है, सो आपका तकरीबन 97.5% जो है दैट कम्स अंडर द सॉल्ट वाटर या ओशंस, ओशनिक वाटर आप कह लें. ठीक है जी, सो ये तो वो पानी है जिसका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिसका इस्तेमाल उधर क्या जो हयात है, ओशनिक हयात, जो समुद्री हयात है वो उसका इस्तेमाल करते हैं. हमारे इस्तेमाल के लिए ये वाला पानी नहीं है. अच्छा, तो हमारे इस्तेमाल के लिए फिर बचता क्या है? हमारे इस्तेमाल के लिए ये फ्रेश वाटर बचता है जो कि सिर्फ 2.5% है ऑफ ऑल द वाटर दैट इज प्रेजेंट. 2.5% ऑफ 1.386 बिलियन किलोमीटर क्यूब इज फ्रेश वाटर दैट इज अवेलेबल फॉर आवर यूज. उस फ्रेश वाटर की अगर कैटेगराइजेशन, अब आप सेकंड वाली फिगर में आए, फ्रेश वाटर में ग्लेशियर्स और आइस कैप जो हैं उन्होंने 68.7% ऑफ फ्रेश वाटर स्टोर किया हुआ है. और ग्लेशियर्स और आइस कैप्स ये वो पानी की रिसोर्सेज हैं जो कि हमारे इस्तेमाल के लिए ये भी बराह रास्त अवेलेबल नहीं है क्योंकि फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं. ज़्यादातर आपको नॉर्थ पोल साउथ पोल में मिलेंगी, आप माउंटेनस एरियाज में जाएँ तो वहाँ पर जो आपको बड़े बड़े ग्लेशियर्स नज़र आते हैं वो तमाम के तमाम ग्लेशियर्स इस 68.7% का पार्ट बनते हैं. इसी को आगे अगर देखा जाए तो वो 2.5% का जो 30.1% है दैट इज द ग्राउंड वाटर. ठीक है, दुनिया के बड़े एक्वेफर्स में आता है इंडस वाटर एक्वेफर. एक्वेफर क्या होता है, तसव्वुर कीजिए एक ग्लास. ठीक है, सो जमीन के नीचे जो ग्लास मौजूद है जिसके अंदर पानी स्टोर किया जाता है उसको कहते हैं एक्वेफर. इंडस वाटर सिस्टम का जो एक्वेफर है दुनिया के बड़े एक्वेफर्स में आते हैं. दिस इज जस्ट अ साइड इंफॉर्मेशन जो कि मैं आप लोग दे रहा हूँ, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा. लेकिन बहरहाल जहां तक फ्रेश वाटर की बात है जो कि 2.5% है ऑफ ऑल द वाटर दैट इज अवेलेबल, ओनली 30.1% इज फाउंड इन द ग्राउंड वाटर. पीछे जो एक बड़ी नॉमिनल सी परसेंटेज बचती है ऑफ सरफेस वाटर, सरफेस वाटर के अंदर आपके लेक्स, रिवर्स, ये सारी चीजें आ जाती हैं जिधर से फ्रेश वाटर फ्लो करता है, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ 1.2%. सो दुनिया में 1.2% जो सारा पानी मौजूद है उनका सिर्फ 1.2% ऐसा है जो कि आपके रिवर्स से आपको मिलता है. अदरवाइज बाकी तमाम फ्रेश वाटर या तो ग्राउंड में मौजूद है या आपके ग्लेशियर्स और आइस कैप्स में मौजूद है. इसी सरफेस ऑफ फ्रेश वाटर को अगर हम कैटेगराइज करें, एंड दिस इज द थर्ड फिगर जो आपके साथ रखी हुई है, उसके अंदर सरफेस वाटर एंड अदर फ्रेश वाटर में ग्राउंड आइस एंड परमाफ्रॉस्ट, जो आपके यहाँ ग्राउंड के ऊपर आइस जमा हुई भी है, ग्राउंड में अगर कोई आइस की फॉर्म में चीज़ पड़ी हुई है या एक सॉलिड फॉर्म ऑफ आप कह सकते हैं H2O मौजूद है, दैट इज 69.0%, जो कि जिसमें परमाफ्रॉस्ट भी आ जाता है जिसकी ज़मीन के ऊपर एक लेयर बन जाती है फ्रॉस्ट की. उसके बाद 20.9% आपका लेक्स हैं और ये बाकी बेशतर परसेंटेजेस हैं जो कि आप लोग देख सकते हैं जिसके अंदर सॉइल मॉइस्चर 3.8%, स्वाम्प मॉइस्चर 2.6%, रिवर्स 0.49%, और लिविंग थिंग्स के अंदर जो पानी मौजूद है जिसके अंदर मैं आप हम सारे आते हैं दैट इज 0.26%, एंड एटमोसफियर 3%. सो दिस इज द डिटेल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द वाटर दैट इज अवेलेबल. ठीक है जी, सो ये भी आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है, यू गाइस शुड अंडरस्टैंड कि पानी की क्या इंपॉर्टेंस है और पानी किस हिसाब से हमारे यहाँ मुहैया है. अब चूंकि इसी के साथ मैं अपने अगले आने वाले लेक्चर्स को भी लिंक करूँ, अब आपको पता है कि आपके यहाँ रिवर्स में सिर्फ 0.49% मौजूद है. एंड फ्रेंकली स्पीकिंग हमारे पास दो रिसोर्सेज हैं जिसको हम एक्सेस करते हैं सरफेस वाटर के अंदर, या हम दो या तीन रिसोर्स हैं, या हम लेक्स को करते हैं, या हम रिवर्स को करते हैं, या हम ग्राउंड वाटर को एक्सेस करते हैं. अब ग्राउंड वाटर इज़ नॉट एक्सेसिबल एट ऑल टाइम्स. ठीक है, उसके पीछे बहुत सी वजूहत हैं, उसके अंदर हमें जाने की जरूरत नहीं है उसकी.
लेक्स को हम जितना एक्सेस करते हैं हम करते हैं, रिवर्स को जितना एक्सेस करते हैं हम कर सकते हैं. वी ऑल नो कि दिस इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट दैट इज अवेलेबल. ठीक है जी, वी ऑल नो दैट इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट. इसी से ही इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्विंग वाटर एंड रिसाइक्लिंग वाटर ये समझ आती है कि क्यों आजकल के जमाने के अंदर ये बड़ा जरूरी हो गया कि हम पानी को रिसाइकिल भी करें और पानी को हम कंजर्व भी करें. सो दिस एक्सप्लेन्स द ओवरऑल हाइड्रोस्फीयर जो कि हमें नज़र आता है. इसी के साथ मैं आपको वाटर साइकिल का बता दूँ कि वाटर साइकिल का आपकी इंट्रोडक्शन दे. वाटर साइकिल होता है कि पानी का जो निज़ाम है हमारे माहौल के अंदर, हमारे माहौलियात में, इन्वायरमेंट में, वो किस तरह से अपने आप को सस्टेन कर रहा है. तो देखें, अगर हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स से हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, रिवर से. ये हमारे रिवर है. अगर इधर से बात करते हैं, ये आप यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाली चीज़ मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी, ये पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ. सो दिस इज़ अ रिवर. ठीक है, रिवर के अंदर से आपका जो ये पानी आपके रिवर से है ये इवेपोरेट होता है. इवेपोरेट होके दिस बिकम्स क्लाउड्स. क्लाउड्स आपके बन जाते हैं बाद में, ये कंडेंस होके बारिश करते हैं, प्रेसिपिटेशन जिसे हम कहते हैं. प्रेसिपिटेशन आपकी ज़मीन पे गई, ज़मीन से कुछ पानी आपका सरफेस वाटर के लिए चला गया. ठीक है, और ये आपके जो ग्राउंड वाटर जो ज़मीन के अंदर पानी जाता है, जब वो जस्ब करती है तो आपके सरफेस वाटर के अंदर चला गया. वही वाटर कुछ जो है जो रन ऑफ के तहत, जो कि एब्जॉर्ब नहीं होता, और रन ऑफ के तहत वो रिवर्स को ज्वाइन करता है. तो ये तो आपका एक साइकिल बन गया ना आपके सामने. फिर ये सरफेस वाटर ही है जो एट टाइम्स आपके रिवर्स को सपोर्ट कर रहा होता है. फिर इसी रिवर के अंदर से अगर आप देखें तो यस, सो यहाँ पे अगर आप देखें तो इन्फिल्ट्रेशन भी होती है. जाहिर है जिधर से रिवर फ्लो करता है उसकी ज़मीन के अंदर इन्फिल्ट्रेशन होती है. वही इन्फिल्ट्रेशन जाके आपके नीचे ग्राउंड वाटर या एक्वेफर को भरती है. समझ आ रहे हैं? सो इस तरह से आपके ग्राउंड वाटर्स को भी रिप्लेनिश किया जा रहा है. आपके सरफेस वाटर्स से जो आपके ये रिवर्स निकल रहे हैं, जाहिर है सरफेस वाटर की कोई स्ट्रीम लेक होती है, लेक से आपके रिवर्स निकलते हैं अमूमन. ठीक है जी, जैसे कुन्हार रिवर है, कुन्हार रिवर आपका लुलूसर लेक और आपका जो है सैफल मलूक उससे सपोर्टेड है. ठीक है, सो इसी तरह बाकी जो लेक्स वगैरह हैं वो आपकी डिफरेंट रिवर्स को सपोर्ट करती हैं. तो एक साइकिल आपका इस तरह से बनता है. दूसरी तरफ यही पानी जो है आपकी ग्राउंड वाटर में जाता है. ग्राउंड वाटर को हम यूज़ करते हैं, ग्राउंड वाटर से हम ट्यूबवेल चलाते हैं, ट्यूबवेल का इस्तेमाल करते हैं हम बाकी प्लांट्स वगैरह के ऊपर. तो प्लांट्स के ऊपर जो आपका पत्तों के अंदर से जो पानी जाता है ऊपर की तरफ, उसको कहते हैं ट्रांसपायरेशन. सही है, सो ट्रांसपायरेशन के तहत एक और साइकिल बनता है. सो ओवरऑल आप कह सकते हैं इन अ नटशेल आपका वाटर साइकिल उसकी शक्ल कुछ इस तरह की बनती है. सो बिफोर आई मूव ऑन टू द लिथोस्फीयर पार्ट ऑफ आवर लेक्चर, मैं चाहूँगा कि आप इस चीज़ को एब्जॉर्ब करें, समझिए, और इसको इसके ऊपर भी अगर आपको कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह है, एनी टेंजिबल डेटा दैट यू कैन थिंक ऑफ जो कि मैंने आपके साथ शेयर ना किया हो, आप लोग उसके बारे में थोड़ा सा सर्च आउट करिए, अपना अपना होमवर्क करिए लाजमन. एंड इसके बाद जाके जब आप ये कर लें तो फिर आप नेक्स्ट वीडियो की तरफ आएंगे जिसके अंदर आई विल बी एक्सप्लेनिंग द लिथोस्फीयर. ठीक है, अंटिल देन टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक.